फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख रहे हैं, आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल है और बिल्कुल जैविक है। आपके प्लांट को किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। यदि इस चीज़ का आप यूज़ करते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि ये जड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, विटामिन, पोटेशियम, सोडियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और प्लांट में यदि आप किसी भी तरह की समस्या देख रहे हैं, बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसमें फंगस की, कीड़े चींटियों की और छोटे छोटे प्लांट में काटने वाले इंसेक्ट की, तो इन सब का इलाज इस एक ही चीज़ से हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपको इसका यूज़ करने का तरीका जानने का और इसकी क्वांटिटी जानने का। तो मैं आपको दो तरह से इसका यूज़ करना दिखाऊंगी। यदि आपको प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का देखने को मिल रहे हैं तो आप उसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट को स्वस्थ, हरा भरा बना सकते हैं। बारिश के दिनों में पौधों की मिट्टी में नमी ज़्यादा रहती है, पानी बरसता रहता है, तो नमी की वजह से उसमें फंगस आ जाती है। तो उस फंगस को दूर करने के लिए हमें केमिकल चीज़ों की बजाय कुछ घरेलू उपाय अपनाते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट स्वस्थ, हरा भरा बना रहे और उसकी मिट्टी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। क्योंकि केमिकल, पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट सालों साल ग्रोथ करता रहे और फूल फल देता रहे, तो आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र और घरेलू पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। तो ये जो मैं घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, ये बहुत ही कारगर है और सभी पौधों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या फूल वाले, सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ख़ासतौर पे तुलसी के प्लांट के लिए इस समय तुलसी में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक हो रहा है, तो आप उस पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। तो ये जो चीज़ है वो मैं बता दूँ, ये है दालचीनी। आप देख कर समझ ही गए होंगे, दालचीनी का हमारे किचन में बहुत यूज़ होता है, लेकिन इसका गार्डनिंग में भी उतना ही ज़्यादा यूज़ है। इसे आप रूटिंग हार्मोन के तौर पर तो यूज़ करते ही होंगे। रूटिंग हार्मोन में यूज़ करने से प्लांट की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और प्लांट अच्छी ग्रोथ बनाए रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसके लिए यूज़ करने के लिए आप यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ या कीड़े जो भी मिट्टी में रहते हैं उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं अलग बताऊंगी, और यदि आप फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका तरीका अलग है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके प्लांट में कीड़े परेशान कर रहे हैं या चींटियाँ परेशान कर रही हैं तो उसके लिए आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये दालचीनी आपको अच्छी तरह से पीस लेनी है और इसका पाउडर बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से आप इस दालचीनी का पाउडर बना लें और आपके प्लांट में जहाँ भी चींटियाँ हैं या फंगस है मिट्टी में, तो आपको इस तरह से इसको मिट्टी में छिड़कना है। आप एक से डेढ़ चम्मच पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डाल दें। इसमें बहुत तेज़ गंध होती है, चींटियाँ नहीं आती हैं और फंगस होगा तो वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि प्लांट जब बहुत ज़्यादा घना रहता है, मिट्टी को हवा और धूप नहीं मिल पाती है, तो उसमें फंगस लग जाती है। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट की सॉइल में इसको डालना है। इससे किसी भी तरह के मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे और जड़ों में फंगस होगी तो वो भी ख़त्म होगी। ये तरीका कीड़े भगाने के लिए है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में आपको इस दालचीनी के पाउडर को एक चम्मच डालना है। साथ ही इसमें मैं दूसरी चीज़ जो डालने वाली हूँ वो है ये 4 से 5 लौंग। इसमें भी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और प्लांट को ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपके प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हों तो उनको ये दूर करती है। तो इसको भी इस गर्म पानी में दालचीनी और लौंग दोनों को डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके आपको 5 से 6 घंटे इसको रखना है। जब ये 5 से 6 घंटे बाद अच्छी तरह से गल जाएगा, तब आप इसको छान के उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला के प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्ट पॉट की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है। यदि आप अपने प्लांट में इसे यूज़ करते हैं तो प्लांट में किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक यू।